एलिवेल आईडी 974, इसका कैसे सेटिंग करते, कैसे लॉक, कैसे अनलॉक करते, कैसे डिफ्रॉस्ट सेटिंग करते, ये सब इसी वीडियो में दिखाएगा। पहले इसका की समझना है इसको। ये देखे, ये इसका सेट की है, एफएनसी बैक की, डाउन की, अप की। तो इसका सेट पॉइंट कैसे चेंज करते हैं, सेट की को प्रेस करने का, अगेन प्रेस करने का, और आप इसका सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। 5 सेट, तो इसी तरह इसका सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। एफ एन सी ए आपका बैक की है, इसी से आप बैक जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपको सेट की लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, होल्ड इट। ये प्रोग्रामिंग के अंदर आप जा चुके हैं, सी पी ए कंप्रेसर का है। उसके बाद सी एन एफ डिस्प्ले, यह डिस्प्ले का सेटिंग है। डिस्प्ले का सेटिंग कैसे करते हैं, लॉक, एल ओ सी, इसका लॉक है, यानी कैसे लॉक करना है, कैसे ऑन लॉक करना है, इसमें मैं आप लोगों को दिखाएगा। एंड में आपको सेटिंग करके लॉक करेंगी इसको। और उसके बाद सी ए वन, ये कैलिब्रेशन है, सेंसर कैलिब्रेशन। पी ए वन ये पासवर्ड है। और उसके बाद चलते नेक्स्ट, चलते फैन, ये फैन का सेटअप है। एफ एस टी फैन स्टॉप टेम्परेचर, एफ सी ओ, डी एफ टी, डी टी, एफ ए डी, ये फैन का सेटिंग है। इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएगा फैन सेटअप के ऊपर। डी ई एफ डिफ्रॉस्ट, डिफ्रॉस्ट सेटिंग कैसे करते हैं इसका मैं दिखाएगा, कैसे यानी कितना घंटा बाद डिफ्रॉस्ट में जाना चाहिए, कितना मिनट के लिए कितना टेम्परेचर सेट करना है। तो हम लोग डी एस टी, ये डिफ्रॉस्ट स्टॉप टेम्परेचर है, डी ई टी डिफ्रॉस्ट टेम्परेचर है, और ये डी आई टी ये आपका डिफ्रॉस्ट हावर है, यानी कितना घंटा बाद डिफ्रॉस्ट में जाना चाहिए। इसका चार सेट है, इसको मैं चार नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपने छः रखना है, 6 घंटा या 8 घंटा। तो मैं इसका 6 सेट करता हूँ, डिफ्रॉस्ट हावर, 6 घंटा के बाद डिफ्रॉस्ट में जाना चाहिए। डी एस टी डिफ्रॉस्ट टॉप टेम्परेचर, यानी आपके कॉयल का टेम्परेचर कहाँ तक जाए तो आपका डिफ्रॉस्ट टर्मिनेट होना चाहिए, 30 डिग्री। तो इसको मैं 30 रखेगा, डिफ्रॉस्ट टॉप टेम्परेचर। और उसके बाद डी ई टी, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, यानी डिफ्रॉस्ट का कितना टाइम के लिए आपका डिफ्रॉस्ट रन होना चाहिए, 35 मेरा ज़्यादा है, इसको मैं कम करेगा, यानी इसको मैं कम करके 25 मिनट करेगा, 25 मिनट के लिए मेरा डिफ्रॉस्ट रन होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉइल टेम्परेचर के ऊपर, यानी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये आपका आधे घंटे से यानी 25 मिनट से पहले भी टर्मिनेट हो सकता है। तो ये हमारा सी पी ए सी एन एफ डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले देखते हैं, लॉक को कैसे करना है, कैसे अनलॉक करना है। सी ए वन सेंसर कैलिब्रेशन है, 0 है, ये आपका सेंसर कैलिब्रेशन है। यानी क्या है, अगर आपके डिस्प्ले में कुछ और टेम्परेचर है, अंदर कोल्ड रूम के अंदर कुछ और टेम्परेचर है, तो आप इसमें कुछ वैल्यू एडिट कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, सेंसर कैलिब्रेशन होता है इसी का। सी ए टू ये प्रोब टू का यानी कॉइल सेंसर का कैलिब्रेशन है। पी ए वन पासवर्ड, यानी आपने लॉक करना है तो कैसे इसको लॉक करते हैं, इसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा तो लॉक होगा। पहले लॉक को यस करना है, यानी ये लॉक का ऑप्शन है, ये एन पे है, हम लोग वाई पे करेंगे यस, यानी लॉक हमको चाहिए। उसके बाद आपने इसमें पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जो आपका पासवर्ड होता है अपने हिसाब से पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पी ए वन, तो मैं इसमें पासवर्ड डालेगा 15 में पासवर्ड रखेगा, सेट करेगा। तो मैंने 15 पासवर्ड रख दिया, मैं बैक जाएगा नॉर्मल डिस्प्ले की तरफ, दोबारा मैं प्रोग्रामिंग के अंदर जाएगा, देखते हैं ये पासवर्ड मांगते हैं नहीं मांगते हैं, लॉक हो चुका है नहीं। तो सेट की को लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके 10 सेकंड है, पी ए वन ये पासवर्ड मांग रहे हैं, तो हमारा डिस्प्ले लॉक है। तो मैं नॉर्मल जो पासवर्ड में लॉक किया है डाला है नॉर्मली, मैं वही पासवर्ड डालेगा इसमें 15 15, सेट मारेगा, तो मैं प्रोग्रामिंग के अंदर जा चुका हूँ। तो इसी तरह पासवर्ड आप डाल सकते हैं, आपने जो सेटिंग किया हुआ है उसको लॉक करने के लिए आप इसी तरह पासवर्ड डाल सकते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट सी पी, ये कंप्रेसर का है, ये देखें ये डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल टेम्परेचर, डी आई एफ डिफरेंशियल टेम्परेचर 2 डिग्री है। इसका क्या मतलब होता है, आपने
फॉर एग्जांपल चार पे सेट पॉइंट रखा है तो 2 डिग्री डिफरेंस चले, सिक्स पे ये दोबारा कट इन होगा और चार पे कट ऑफ होगा, यानी अगर आपका सेट पॉइंट चार है तो चार पे कट ऑफ होगा और छः पे दोबारा स्टार्ट होगा। इसको आप तीन भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, नॉर्मली आपको दो ही मिलेगा किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में, लेकिन आप तीन भी रख सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशियल हो गया। ये आपका LAC HAC, ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो हम LAC में जाते हैं, LAC को यानी लो टेम्परेचर, इसको हम लोग मिनिमम टेम्परेचर, इसको हम लोग सेट करेंगे। यानी अगर आपने सेट पॉइंट डालना है, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा, सेट करके उसके बाद दिखाएगा। मिनिमम सेट करेगा, मिनिमम में सेट करेगा ज़ीरो, सेट करेगा ज़ीरो के ऊपर लेके आना है, 7 6 5 4 3 2 1 ज़ीरो सेट। लो साइड का ज़ीरो पे सेट कर दिया और हाई साइड का मैं हाई HAC सेट, डाउन की नीचे लेके आके इसको मैं 6 पे सेट करेगा, यानी मिनिमम ज़ीरो और मैक्सिमम 6 पे सेट करेगा, 9 8 7 6, और सेट करेगा सेट। तो मेरा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सेट हो गया। अभी बैक जाते हैं FNC की, बैक बैक, अभी नॉर्मल डिस्प्ले की तरफ आ गए। अभी हमने सेट पॉइंट सेट करना है, सेट सेट 5। अभी देखें, मिनिमम हमने ज़ीरो सेट किया है, तो ये अभी देखें कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ सेट आपको दिखाएगा क्योंकि ये हमारा डिस्प्ले लॉक है। ठीक है, जब लॉक होता है तो आप इसका सेट पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, हम लोग दोबारा लॉक डालेंगे, ओपन करेंगे और इसको रिलीज़ करेंगे। लॉक हमारा 15 है, पासवर्ड 15 सेट। हम लोग चलते हैं डिस्प्ले में, लॉक को रिमूव कर दे, लॉक को नो करेंगे, वाई नो नो, और पासवर्ड रिमूव कर दे, उसके बाद जाके हम लोग को एक्सेस मिलेगा। पासवर्ड को ज़ीरो करके इसी तरह पासवर्ड भी रिमूव कर सकते नॉर्मल। अभी पैक चलते और देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। सेट की लॉन्ग प्रेस फॉर 10 सेकेंड। अभी देखें, ये ज़ीरो के नीचे नहीं आएगा जो कि हमने मिनिमम टेम्परेचर सेट किया है, ज़ीरो के नीचे नहीं आएगा, और ऊपर की तरफ जब दबाओगे मैक्सिमम हमने 6 सेट किया है, तो ये 6 के ऊपर नहीं जाएगा, यानी मिनिमम मैक्सिमम आप 6 और 0 के बीच में ही सेट कर सकते हैं इसका टेम्परेचर। तो हमने सेटिंग तो कर लिया डिफ्रॉस्ट का, वो तो ऑटो सेटिंग है, ऑटो में यानी 6 घंटा बाद डिफ्रॉस्ट में जाएगा। अभी क्या करना है, अगर आपको मैनुअल डिफ्रॉस्ट का ज़रूरत पड़ गया, आपने मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका अप की है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने से आपका सिस्टम डिफ्रॉस्ट में चला जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। देख सकते हैं डिफ्रॉस्ट में जा चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक और वीडियो में।